अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हाफिज असल महमूद है और मैं एक आर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी स्पेशलिस्ट हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉर्निंग नेक पेन को। हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि ये कंप्लेन करते हैं, जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हमारी गर्दन के मसल्स अकड़ाव में आगे होते हैं और जिसकी वजह से उनकी गर्दन एक जगह स्टक हो जाती है और उन्हें थोड़ी सी भी मूवमेंट करते हुए गर्दन में बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गर्दन की दर्द की कौन कौन सी वजूहात हैं और कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको आप फॉलो करके नेक पेन से बच सकते हैं। मॉर्निंग में नेक पेन की सबसे पहली वजह आपका पिलो है। अगर तो आपका पिलो बहुत ज़्यादा ऊंचा है या बहुत ज़्यादा नीचे है तो इस कंडीशन में आपकी गर्दन एक न्यूट्रल पोजिशन में नहीं रह पाती और आपके गर्दन के मसल्स लगातार स्ट्रेस में रहते हैं, जिसकी वजह से आपको सुबह गर्दन में दर्द का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आप अपने पिलो को इस तरह एडजस्ट करें जिसकी वजह से आपकी गर्दन ना तो बहुत ज़्यादा ऊँची हो ना ही बहुत ज़्यादा नीचे हो, बल्कि एक न्यूट्रल पोजिशन में रहें। दूसरे नंबर पर गर्दन की दर्द बहुत से उन लोगों में कॉमन होती है जो कि एक बैड पोस्टर में लगातार काम करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आईटी वर्कर मोस्ट ऑफ द टाइम एक बहुत बैड पोस्टर में लगातार काम करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो विदाउट एल्बो सपोर्ट एक फॉरवर्ड हेड के साथ बगैर अपनी स्क्रीन को, लैपटॉप की स्क्रीन को एडजस्ट किए काम करते रहते हैं लगातार, जिसकी वजह से उनकी नेक के मसल्स पे लगातार स्ट्रेस पड़ता है। तो उन्हें चाहिए सबसे पहले अपने पोस्टर को करेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, अपने पोस्टर को इस तरह करेक्ट करें कि अपने लैपटॉप की स्क्रीन और आपका फेस बिल्कुल एक लेवल पे हो और आप जब टाइपिंग वगैरह कर रहे हो तो आपको चाहिए कि आपकी एल्बोज जो है वो किसी सपोर्ट पे हो, आया कि वो मेज की सपोर्ट पे हो सकती हैं या वो आपकी चेयर के साथ हो सकती हैं। तीसरे नंबर पे, अगर आप एक बेड पोस्टर पे लगातार मोबाइल यूज कर रहे हैं या कोई टीवी देख रहे हैं तो इस कंडीशन में आपके मसल्स लगातार स्ट्रेस में जाते हैं, जिसकी वजह से आपको गर्दन में दर्द का सामना करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मोबाइल इस तरह लगातार यूज कर रहे हैं काफी देर से तो इस तरह आपके मसल्स लगातार स्ट्रेस में रहते हैं, और इसी तरह अगर आप टीवी इस पोजिशन में लगातार देख रहे हैं ये पोजिशन में, ऐसे अगर आप टीवी देख रहे हैं तो इस कंडीशन में आपके मसल्स लगातार स्ट्रेस में रहते हैं, जिसकी वजह से आपको गर्दन में दर्द का सामना करना पड़ सकता है। अगर तो आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें अपने पोस्चर करेक्ट रखें तो इस कंडीशन में रखें मोबाइल को यूज करें। और दूसरे नंबर पे, अगर आप टीवी देख रहे हैं तो कोशिश करें कि एक कंफर्टेबल पोजिशन पे बैठ के आराम से फिर आप टीवी देखें। अगर तो आपको मॉर्निंग में नेक पेन का सामना करना पड़ रहा है तो अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, अगर आप इनको फॉलो कर लेंगे तो आप मॉर्निंग में नेक पेन से बच सकते हैं। अगर आप सुबह उठते हैं, आपकी गर्दन के मसल्स बहुत ज़्यादा अकड़ाव में आगे होते हैं तो आपको सबसे पहले चाहिए उन्हें 10 से 15 मिनट के लिए गर्म पानी की बोतल के साथ या इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड के साथ उनको वार्म अप करें, या आप 15 से 20 मिनट के लिए गर्म पानी का शावर ले सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप अपनी फिंगर्स के साथ अपने इस एरिया को, जिस एरिया पे आपको पेन होती है, जिस साइड पे, उस साइड पे आपने इस तरह पालपेट करना है वो सारा एरिया। जैसे ही आप पालपेट करेंगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा जिसको आप प्रेस करने से आपकी पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वो पॉइंट बेसिकली ट्रिगर पॉइंट होता है। आपने उस पॉइंट को 60 सेकेंड के लिए प्रेस करके रखना है। इस तरह प्रेस करने के बाद आपने उस एरिया की स्ट्रेचिंग करनी है। आपने 30 सेकेंड के लिए अपनी उस एरिया की स्ट्रेचिंग करनी है। ऐसा करने के बाद आपने कुछ एक्सरसाइजेज परफॉर्म करनी है। उसमें सबसे पहली एक्सरसाइज, आपने कोई बेल्ट लेके या कोई टॉवल लेके आपने उसको इस तरह गर्दन के पीछे रखना है और उसके सपोर्ट के साथ आपने गर्दन की पीछे की तरफ मूवमेंट करनी है, लाइक इस तरह। आपने इस तरह 10 रेपिटेशंस करनी है और फिर उसके बाद आपकी जिस तरफ मूवमेंट लॉस है, फॉर एग्जाम्पल मेरी लेफ्ट साइड पे अगर मूवमेंट लॉस है तो यहां जाके अगर मुझे पेन होती है बहुत ज्यादा तो फिर मैंने क्या करना है, बेल्ट के साथ या टॉवल के साथ ही आपने उस तरफ मूवमेंट करनी है और ये आपने मूवमेंट पेन फ्री जोन के अंदर करनी है। इसी तरह आपने ये भी मूवमेंट 10 रेपिटेशन के साथ करनी है। ऐसा करने के बाद आपने अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, इस तरह 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स
एंटी क्लॉकवाइज। ऐसी मूवमेंट करते हुए अगर आपके पास कोई ऐसा पॉइंट आता है जिसमें आपकी पेन बढ़ जाती है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये मूवमेंट कर रहा हूं और यहां आके मेरी पेन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो इधर मैंने मूवमेंट को रोक देना है और मैंने दोबारा अपनी न्यूट्रल पोजीशन में आना है, फिर उससे आगे मूवमेंट स्टार्ट कर देनी है। वो मूवमेंट बिल्कुल नहीं करनी जिसके साथ आपकी पेन मजीद बढ़ रही है। 10 रेपिटेशन आपने क्लॉकवाइज और 10 रेपिटेशन आपने एंटी क्लॉकवाइज करनी है। फिर इसके बाद एंड पे आपने चिन टक्स करने हैं, अपनी चिन को ऐसे पीछे चिन टक करके जिस साइड पे आपको पेन है उस साइड की मूवमेंट आपने करनी है, और ये भी आपने 10 टाइम्स करनी है और पेन फ्री जोन के अंदर करनी है। तो ऐसा करने से उम्मीद है आपकी गर्दन की दर्द इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगी। अगर तो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको गर्दन के रिलेटेड किसी भी किस्म का मसला है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।